बंधन भी सब एक साथ हो ही जाता है।
तो इसलिए कहते हैं हमारा परम धर्म, कलयुग का परम धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन ही करो परम होता है। कलयुग में मतलब हरे नाम ही केवलम, करो नास्ते व नास्ते व कपिल। यह एक चीज के ऊपर हमें ध्यान देना बड़ा ही आवश्यक है। क्या है? हरेर नाम ईव। ये जो ईव शब्द है, ईव शब्द के द्वारा यही समझना चाहते, केवल भगवत नाम के द्वारा ही नाम ईव, केवल कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही, और किसी शब्द का कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवत नाम के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त संभव है। कलयुग का जो उपासना जो पद्धति है, ये भगवत नाम ही साधन है और साध्य भी है। जैसे हमारे ऊपर शब्द वाचक श्लोक बताया गया है, ये भगवान के दो प्रकार के स्वरूप है, एक वाच्य एक वाचक। एक भगवान की विग्रह है और एक नाम है। हम जैसे कलयुग के जीवों के लिए सबसे कौन सबसे ज्यादा हमारे लिए कृपालु है या हम उस पर कृपा करते हैं, भगवत विग्रह या भगवत नाम? हम शास्त्र जब आलोचना करते देखते हैं भगवत नाम ही सबसे जीवों के लिए कल्याण करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विमान में आकाश में उतरने जा रहे हैं, अचानक पायलट ने कॉकपिट से उन्होंने ये घोषणा की कि हमारे एक मशीन खराब हो गई है, सब लोग सावधान हो जाओ। उस समय हम क्या करेंगे? वहां भगवान को विग्रह तो है नहीं, तो हम किसका सहारा लेंगे? भगवान के नाम का ही सहारा लेंगे। इसका एक प्रमाण है, और कुछ बात नानू समाज के एक शिष्य है, वो फिजी से आए थे मकान के ग्रह में। वे लोग जब जा रहे थे, लौट के जब जा रहे थे, कम से कम ऑस्ट्रेलिया जाने में 8 घंटा समय लगता है, फिर वहाँ से भी 3-4 घंटा फिजी जाने में समय लगता है। तो बीच रास्ता में कॉकपिट से रास्ता को पायलट ने उन्होंने बोला, हमारे एक इंजन काम नहीं कर रहे हैं, सब शानदार हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको बात बता रहे। तो प्रभु जी खुद अपने अनुभव बता रहे थे, उस समय तो सबका ऐसे क्या हो रहा है, स्थिति बहुत ही खराब है। तो उन्होंने गुरु जी का भगवान के नाम के इतने सहारा लिया कि सकुशल एक ही इंजन में सकुशल जाकर किसने रक्षा किया है? भगवान नाम। इसलिए कलो नाम पर कलिजी में तो पर समस्त क्या है? भगवान नाम। महाप्रभु जी जब पूर्व भाव में कहते तो महाप्रभु से यही पूछा गया था कि हे अभी क्या नाम होने जा रहा था पत्र, यह नहीं जाने कोई चीज है शांत साधन पत्र। हम नहीं जानते जो साधन तत्व आप कृपा का मुझे बताइए। तो महापुरुष ने क्या कहा कि कलयुग का नाम ही एकमात्र साधन भी है और यही साधक भी है। साधन करते करते जब साधक का ऐसी स्थिति आ जाता है, स्वयं नाम ही मुक्तिमान होकर उनके सामने आ जाता। जैसे ध्रुव महाराज जी ने, उन्होंने जब भगवान नमो भगवते वसुदेव मंत्र जप कर रहे थे, उनके जब ऐसे आरती तक भगवान ने पहले क्या किया, उनके हृदय में दर्शन दिया, फिर बाद में उनके सामने उत्पन्न हुए। फिर और भी हम देखते हैं, जैसे द्रौपदी जी जब पत्र उन्होंने कैसे पुकार, हे गोविंद राख सरण अब तो जीवन धारी, तुम बिना मेरे कौन खबर ले, वो वरदान जब उन्होंने भरी समय उनके जब विवस्त्र किया जा रहा था, उन्होंने हाथ तक उन्होंने अपने बहुत प्रयास किया, अपने बाहुबल के द्वारा अपने लज्जा के निवारण कर लिए, फिर दांत के द्वारा वस्त्र का दबा करके, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पंचपति भीष्म पितामह राजन्य वर्ग सभी के प्रति उन्होंने देखा, किसी ने उनको मदद नहीं की,
आखिर उन्होंने हाथ उठा करके भगवान की शरण कर ली और भगवान तत्क्षणात् आकर वस्त्र के अवतार में तो उठे लज्जा कर। तो इसलिए कलयुग में सबसे नामी पर्व का है, इसलिए कहते हैं सभी पुरुषों पर्व धर्म जो भक्ति आदर्श है। भगवान की भक्ति करना केवल नाम के द्वारा ही, देखिए इसका प्रमाण है हमारे भगवान दास नाम के प्रभु है, वहाँ पर जो परिकर है कालना के पास में पड़ता है। उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना सा जैसे हम लोग लिख के रखते हैं ना, ऐसे ही जैसे स्टिकर होता है इतना ही स्टिकर उनका भजन स्थल जहाँ पर है वहाँ पर उन्होंने स्टिकर ऐसे उसी में उन्हीं का ही पूजा करते तो वहाँ ही भोग लगाते सब कुछ करते हैं। वहाँ तक कि उन्हीं के लिए गंगा देवी वहाँ का तो प्रकट हो पाता लगा तो उन्होंने किसको उपासना किया, हम लोग जैसे विग्रह राखे को उपासना करते हैं, उन्होंने केवल हरे कृष्ण अक्षरा पत्र नाम है उस नाम का ही उन्होंने सेवा पूजा भोग सब कुछ कर सब महापुरुष ने अपने एक एक परिवार के द्वारा एक एक चीज के द्वारा शिक्षा दिया है। यहाँ लिखा हुआ है नाम चिंता मैंने कृष्ण चैतन्य संग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य भूत तक भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। कैसे जैसे कहते हैं निगमत आदि को सुगंध अलग है क्या, नहीं है अभेद है। जैसे हम लखन बलहरे से कपड़े में देखते हैं वो देखने में कितना बड़ा है कठोर है, किसी को मारा जाए तो मर भी जा सकता है, उसमें जो सफेद रंग है उसका और उसका सुगंध उसमें कोई भेद है, उस गोली को उसको बाहर रख दिया जाए धीरे धीरे हवा में और सुगंध उठता जाएगा और भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, तो उसमें जो काठिन्य जो भाव है और सुगंध है और जो धवल होता है वो तीनों एक ही पुष्ट है। उसी प्रकार भगवान के नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए कहते हैं उस नाम को जो आश्रय लेते हैं तो भगवान उनको प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जय आत्मा प्रसिद्ध थी मतलब आत्मा के प्रसन्नता, यहाँ पर आत्मा के प्रसन्नता का मतलब क्या है, एक धर्म है क्या है परम धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है। तो आप भक्ति करते किस लिए करते हैं, किसके प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के। जब भगवान ही प्रसन्न हो जाते हैं तो हम जीवात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं तब वे आत्मा भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए पूज्य भगवान गोस्वामी जी कहते थे कि ससागर पृथ्वी का जितने भी संपदा है किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तब भी वो प्रसन्न नहीं होते, बल्कि क्यों कि उसके अंदर में एक अभाव है, वो अभाव किसका है, मन का शरीर का या आत्मा का, आत्मा का ही अभाव हो सकता है। इसलिए इस जगत में जितने भी वस्तु को दिया जाए उत्तर तो उसको पिपासा वर्धित होने लगता है, कमता घटता नहीं है, बोले क्यों वो पिपासा किसका है, अभिलाषा किसका है, आत्मा का ही है। जो व्यक्ति सारा जिंदगी के बहुत अर्घों उपार्जन करते हुए बहुत सांसारिक सामग्री एकत्रित किया है वही व्यक्ति जब ऐसे सतगुरु के चरण में आते हैं जब हरिकथा श्रवण करते हैं तब तक ज्ञान उनको होता है, धीरे धीरे वही विषय रूप छोड़ने लगता है। क्यों पहले सोचते था सांसारिक यही वस्तु मुझे सुख दे सकता है, लेकिन जब देखते हैं कि जड़ वस्तु को भी मुझे सुख नहीं दे सकता है, ये क्या करता है, ये दुख ही प्रदान करता है। भागवत में श्लोक है आर्थिक वित्तार्थी येन, वित्त क्या करता है धन संपत्ति क्या करता है दुख प्रदाय कष्ट प्रदाय। कैसे जैसे अर्थ उपार्जन करने में कष्ट है उसका संरक्षण करना भी उतना कष्ट है कि उसका खर्च करना भी वो भी कष्टदायक, अरे इतने पैसे मैंने खर्चा करके इतने ऐसे कर दिया है, हमेशा ही दुख प्रदाय। किसी ने चोरी कर लिया है या सरकार ने छापा मार दिया है वो भी हमारे लिए कष्ट प्रदाय है। इसलिए वित्तार्थी आर्थिक दिए न यानी ये धन संपदा में दुख देने वाला है, इसलिए
वह व्यक्ति जब ऐसे तत्व सिद्धांत समझने लगता है, धीरे धीरे वो धन संपत्ति वो सब छोड़ने लगता है। हमारे सनातन गोस्वामी की क्या कविता ऐसे उनके लाइफ स्टाइल में सुनने को मिलता है कि रूप गोस्वामी अपने नाव में भर करके संपत्ति ले जाकर अपने घर वालों को दिया, गाँववासी पड़ोस के ब्राह्मण सभी को उन्होंने वितरण करते, उन्होंने केवल एक ही वस्त्र उन्होंने वृंदा बना दिया। हम संसार में अर्थ उपार्जन करते हैं, हम संसार को बांधने के लिए और संसार से मुक्त होने के लिए रूप गोस्वामी 10,000 स्वर्ण मुद्रा एक परचून के दुकान के पास रख के आए थे कि सनातन के इस जेल से छुटकारा पाने के लिए इस मार्ग को समझा। देखिए कितना अंतर है, एक व्यक्ति संसार में बांधने के लिए अर्जन करते हैं और एक संसार से छुटकारा पाने के लिए। तो जिसके अंदर में ऐसे पराभक्ति के कुछ ना कुछ लालसा है वो धीरे धीरे इस चीज को सब त्याग करते हैं। त्याग शांति निरंतर त्याग के द्वारा ही शांति मिले, नहीं भोगे नहीं वो शांति, भोग के द्वारा कभी भी मन में शांति नहीं मिलते ना तो संसार में। जिसके पास जितना धन संपदा है वो अपना ही बड़ा। देखिए जो व्यक्ति दिन रोज कमाते खाते हैं ना वो तो घर में जाकर चैन से सो जाते हैं। जिसके पास आपको खर्ब रुपया है ना और आपको गोली खा के सो तब भी नहीं है, तरह तरह की उसमें मन में ऐसी स्थिति रहती है। क्यों? वो कष्ट देने वाला है, अरे मैंने फलाना जगह में किया है, वो मेरे को क्या पैसे दे आते हैं तो मार दिया क्या हो। धन संपत्ति का यही स्वभाव है, दुख नहीं हो पाता है। लेकिन एकमात्र भोगते ही हमें भगवत सेवा ही मुझे सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम सब कुछ करते यदि भक्ति नहीं किया तब क्या होगा? दूसरा श्लोक में कहते हैं धर्म सुनिश्चित पुंसांग निश्चक्षेर दासन न उत्पादे वति यदि स्वामी वही केवल। हम संसार में वेद शास्त्र में जितने भी धर्म के बारे में बताया गया है हमने बहुत सुष्ट रूप से हम उस धर्म का पालन किया है, लेकिन यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई तो हमारा कर्म क्या है? सब निष्फल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए भगवान की कथा में किसी का थोड़ी सी प्रीति हो गई समझ लीजिए उनका प्रापार हो गया। और यदि कथा सुनते भगवान की कथा में रति नहीं हुआ विषय में रति हुआ तब तो हमारे श्रवण ठीक ठीक से नहीं हुआ। काल जैसा हम सुन रहे थे कि गोकर्ण जी जो कथा सुनाया था उसमें केवल धुंधुकारी के लिए भी मना किसी के लिए क्यों नहीं आया? शास्त्र कहते हैं श्रवणे नहीं फलम मनने नहीं फल, श्रवण करने से उसका फल नहीं मिलता। जैसे लोग एक समय की बात मैं बताऊँ, हम लोग जो मथुरा मंडल में रहते थे मुझे पद महाराज जी ने मंडी पाक करते हुए आए उन्होंने कुछ तो हम लोग कीर्तन करते फिर सबके महाराज को प्रणाम करने के लिए वहाँ एक मथुरा के वर्ष में एक वृद्ध व्यक्ति आए महाराज ने प्रणाम किया। तो महाराज जी कहते हैं आप क्या करते हैं? ना मैं नौकरी करता था, मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ। कुछ भजन पूजन करते हैं? बोले हाँ मैं हर रोज 4 अध्याय गीता पाठ करता हूँ, उसके बाद मैं पानी पीता हूँ। तो महाराज जी ने कहा ये बताओ सर्वधर्म परित्यज श्लोक का अर्थ क्या है? महाराज जी तो मुझे मालूम नहीं है। तो खा तुमने क्या पढ़ाई? कहने का मतलब क्या है? केवल पढ़ने से नहीं होता, हमें स्कूल में गए और जो हमारे शिक्षक ने टीचर ने हमें पढ़ाई दिया है हम उस चीज़ को समझे नहीं, तो फिर जब टीचर पूछेंगे तो हम क्या बतलाएंगे? इसलिए इस वस्तु को समझना चाहिए और समझने के बाद उसको अपना करके उसका आचरण भी करना चाहिए। उसी प्रकार कहते सवर्णे नहीं फलम मनने न फलम, हमने भगवान की कथा सुनी कैसे 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 उद्धार हुआ कैसे हुआ, लेकिन हम सुनने के बाद उसको मनन चिंतन नहीं किया है तो फिर क्या होगा? वो लाभ कुछ नहीं होगा। जब हम मनन करेंगे तो हम उसको अपने जिंदगी उसको भी उतारने का हम प्रयास करेंगे। आचरण महापुरु जी क्या कहते हैं? अपनी आचरण धर्म जीवन शिकार अपनी न कोई भी धर्म शिकार नहीं, खुद आचरण करते हुए किसी को उपदेश किया जाता है तब तो क्या करो वह व्यक्ति भी उसका आचरण ही करेगा। आचरण में प्रचार जगत के नाश के कारण है।
इसीलिए आचरण भी होना चाहिए, कथा सुनने के साथ साथ अपने जिंदगी में उसके आचरण भी होना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तब तो जाकर के हमारे वो भक्ति लाभ कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं करते हैं तो फिर हमने सुना जैसे काल बोल रहे थे, हम जहाँ कथा सुने वही आज समय यही सब धार चाहे बस पता यही करते यही है रहे हम तो चाहते हम ज़्यादातर यही नहीं मान के कथा सुने थे हम यही अच्छा वही पतिता हरी हरी हरे कृष्ण बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम प्रभुपाद की सफर कर प्रभुपाद की सफर कर गौर हरि की जय इधर गौर परमानंद हरि किसने प्रभुपाद को प्रश्न ने ये प्रश्न किया क्या रिटर्न टिकट करके श्री गुरु गौरांग को पास में आना उचित है जैसे कोई व्यक्ति धाम में आते हैं ना गुरु वैष्णव के पास जो आते हैं यदि जब कोई आते हैं क्या उसको रिटर्न टिकट करके आनी चाहिए कि नहीं जैसे आप कोई धाम दर्शन के लिए आए वृंदावन कोई गुरु जी के पास में वैष्णव के पास में आए क्या घर से आते समय रिटर्न टिकट करके आए कि नहीं आए वापस का टिकट करके आना चाहिए कि नहीं आनी चाहिए जो लोग रिटर्न टिकट करके मंदिर में आते हैं वो लोग संपूर्ण रूप में भगवान भगवान को नहीं चाहते लेकिन वो पूरा भगवान को नहीं चाहते इसलिए हमारे सिद्धि विक्रम गोस्वामी महाराज वहाँ पर जब दर्शन करते वृंदावन में हम दर्शन करते थे दर्शन करते करते जब श्री गोविंद देव मंदिर में जाते थे तो वहाँ पर श्री भक्तिमय ठाकुर श्री रूप गोस्वामी ने कहा अपने खबरदार मथुरा में मत जाओ हैं अगर मथुरा में चले गए तो वृंदावन में तो किसी का टिकट में जानी ही नहीं चाहिए अगर वहाँ चले भी गए वहाँ पर तो कभी भी वो पास में जो गोविंद देव भगवान कभी तो उनको दर्शन उनको कभी भी उनका दर्शन करने मत जाओ बोले क्यों बोले स्वरूप नयन हेरे के हवा ना ही मेरे फिरे संसारी जीवन के तो है सरना एक बार अगर वो रूप को उसने देख लिया ना कभी वो घर में वापस नहीं है बोले उसकी सर पर जो गुरु सर पर जो मयूर मुकुट है उनका जो बंसुरी उनका जो मिट्टी मिट्टी हंसी बोले खबरदार उनको कभी विश्वास मत किया करो हैं विश्वास मत करो कहते उसको देख करके फिर तो जो संसार जीव मतलब जिनको ये संसार का आनंद लेना चाहते हैं बोले उनको कभी तो आनी नहीं चाहिए उसको दर्शन करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसको देखने के बाद फिर संसार में आसक्ति नहीं रह जाती इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते हैं कहते रूप गोस्वामी तो ये बात कहते हैं उनको दर्शन करने के बाद फिर तो वो घर में वापस नहीं जाता लेकिन ये लोग तो पहले ही रिटर्न टिकट काट देते हैं पहले स्थिर कर लिया क्या स्थिर कर लिया हम घर में वापस जाएंगे तो वो कहते थे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सचमुच से क्या तुम्हारी आना हुआ है धाम में तुम धाम में नहीं आए हो धाम में नहीं आए इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद यहाँ कहते तुम भगवान को चाहते तो है लेकिन संपूर्ण तुम नहीं चाहते हो
जो संपूर्ण रूप में भगवान की भक्ति करके अपना जीवन में जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाए तो संपूर्ण अभी नहीं चाह रहे, अभी तुम्हारे अंदर की कमी है। बोले जे प्रकृत पक्षे भगवान के चाय से कि भगवान निकट आसिया आर प्रिया जाते चाय, मतलब क्या है? जो वास्तव रूप में भगवान को चाहता है, क्या वो कभी भी भगवान को पास में आ करके फिर भगवान को पास से फिर वापस जाना चाहेगा? कोई चाहेगा नहीं। चाहता मतलब क्या है? तुम अभी भगवान के शरण में अभी तुम आए नहीं, ठाकुर के शरण में आए नहीं। इसलिए जैसे हमारे गोस्वामी श्री नरोत्तम दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विभो गोस्वामी, लेकिन जब उन्होंने छोड़ करके आए ना फिर वापस दोबारा देखे। इसलिए कहते वैराग्य दो तरह का कहते हैं, कहते हैं कि बद्धवत और एक मलवत है। उन्होंने दो उदाहरण दिया है। मलवत मतलब होता है जब हम पायखाना करते हैं, पायखाना करने के बाद उसको तरफ से फिर देखना नहीं करते हैं, उसको फिर फ्लास करके जितना जल्दी पायखाना करके जितने जल्दी हो उसको छोड़ करके आ जाते हैं। कहते कहते ये एक वैराग्य है। दूसरा है बद्धवत। बंत मतलब उल्टी करेंगे, अगर कोई चीज को उल्टी अगर करते फिर उसको तरफ में कोई देखते हैं नहीं देखते। लेकिन कहते ये मलबद्ध मतलब पायखाना बद उसको छोड़ना, और जो बंतवत उल्टी उसमें फर्क है। बोले क्या फर्क है? जैसे पायखाना कर दिया, पायखाना करने के बाद देखो देखो ठीक है, घृणा तो लगेगा तुमको, घृणा लगेगा, लेकिन उल्टी अगर कोई कर देता है ना, अगर उसको कोई पास में अगर देख ले फिर जो देखता है उसको भी उल्टी होना शुरू हो जाए। उल्टी करके अगर उसको कोई एक बार देखोगे ना, जो देखेगा उसको भी उल्टी होना शुरू हो जाता है। बल्कि ये वैराग्य है, कहते ये मलबद्ध से भी ये बद्धवत जो वैराग्य के श्रेष्ठ है। तो उदाहरण देते हैं कि हमारे गोस्वामी, हमारे श्री गोस्वामी लेते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हाँ तो बंगला में क्या कहते हैं उल्टी करके खाना, इसको क्या बंतासी मतलब एक बार घर पर छोड़ करके फिर गुरु वैष्णव के पास में आ करके एक बार छोड़ करके आए फिर घर पर फिर दो बार जाए, इसको कहते तो उल्टी करके फिर उसको खाना, जिस चीज को तुमने उल्टी कर दिया उसको फिर खाने लगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, कहते भगवान को पास में आ करके क्या सचमुच से कोई भगवान को पास में जाएगा? इसका मतलब है तुम संपूर्ण रूप में भगवान को भी नहीं चाहते, अभी भी तुम्हारी क्या है, अभी भी तुम्हारी कुछ अपेक्षा है, अभी भी तुम्हारी अपेक्षा है। इसलिए कहते भगवत सेवक अभिमान जागिले कि केवल साक्षात भगवत सेवा छाड़िया माया सेवा करीवार जिन्हें पुनराय व्यस्तव है। प्रभुपाद कहते हैं कद अगर सचमुच से किसी हृदय में भगवत सेवा की भावना जग जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे पुनरुत्थसामि माम सुखदे अर्जुन, तुम सबको जो छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे जो पीछे का जो बाकी रह जाएगा क्या उसको कोई चिंता मत करो, सारे पाप में ग्रहण करो, आप तो आप सर्व पापे भगवी सारे पापों से मैं छुटकारा दिला दूंगा। इसलिए गुरु जी कहते थे जब कोई व्यक्ति सब छोड़ करके ठाकुर के चरण में संपूर्ण आ जाए, भगवान 36 करोड़ कितने 36 करोड़ कर्म करके ब्राह्मण को भगवान नियुक्त करके रखे, जो सब छोड़ करके मेरे शरण में आएगा उनको जो पीछे बाकी रह जाएगा काम तुम लोग करेंगे, फिर भक्तों को कुछ करना नहीं है। लेकिन इसी संसार में तो गुरुदेव कहते थे हम तो कहते 5 तरह का ऋणी से हमें मुक्त होनी चाहिए, है 5 तरह। कौन सा ऋणी है बोलो? पहला ऋणी कौन सा था? देवर्षि। कहते पहला ऋणी देवर्षि, क्योंकि जो बारिश की जो धूप है सब कौन दे रहे हवा किसी देवताओं इनका भी ऋणी है। दूसरा ऋणी ऋषियों का ऋणी है, जितने हम ज्ञान भागवत गीता इतने रामायण सब ऋषियों का देव।
जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लोग लेते हैं सब ऋषियों का ही देन ही निकाल के देते हैं। अगर उसके बाद भूत भूत मतलब होता है संसार में आने पर परिवार लोग अपना आत्मीय अपने परिवार उनका भी सबसे प्यार प्रेम हमें मिला है सबकी मदद मिला उनका भी है। उस बात देखो सिर्फ होता प्रतिना बोले राजा हमारे अगर जगत में राजा नहीं रहेगा हरा जगत में चल जाएगा उसका भी नहीं है। इसलिए फिर पिता माता की इनका ऋण तो बहुत ऋण है। कभी ये पांच तरह का जगत में जन्म लेने पर कभी ये पांच तरह का ऋण तुमको चुकाना ही पड़ेगा नहीं तुम पाप भोगना पड़ेगा पाप भोगना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति सर्वात्मना जो शरणम शरणम गुरुदेव कहते थे अगर कोई कोशिश करे एक ऋण को उतारे कौन सा पिता माता का ऋण बोले कभी भी व्यक्ति पिता माता का ऋण से उड़ी बन ही नहीं सकता कभी भी नहीं बन सकता है पिता माता का ऋण से एक ऋणी से तो मुक्त नहीं हो सकते और इतने सारे ऋणी रखने पर कैसे सकते हो। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वात्मना जम शरणम शरणम अगर कोई गुरु वैष्णव ठाकुर के चरण में संपूर्ण रूप में कोई शरणागत हो जाएगा सारे ऋणी से मुक्त हो जाता है व्यक्ति सारे ऋणी से मुक्त हो जाता है किसी की ऋणी चुकाने का कोई जरूरत नहीं बोले क्यों बोले तुमने ठाकुर जी के शरण में आए सारा दुनिया जितने ऋणी सबके सब ठाकुर से लिए तब गुरुदेव एक उदाहरण देकर कहते हैं बोले एक समय उनका जो गुरुदेव भक्ति प्रज्ञा कैसे गोस्वामी महाराज इनके पास में दो व्यक्ति कथा सुनने के लिए आते एक व्यक्ति का धनी थे और एक बहुत गरीब था ये दोनों ही गुरु जी के पास में कथा सुनने आते थे। जब कथा सुनने आते थे अभी कथा सुनते 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 जो एक गरीब था अभी ये कथा सुनते 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 तब गुरुदेव हर समय कहते जीवन दुनिया भगवान बार बार नहीं देते ये जीवन पा करके भगवान की संपूर्ण रूप में भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए है भगवान बार बार नहीं देंगे कहते तृणम बोले जितने जल्दी से जल्दी हो गुरु वैष्णव के शरण में आकर के भजन करो ये जीवन अभी ये कथा सुनते 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 उसको दीप में बैठ गया सचमुच से ठाकुर से जीवन दो बार नहीं देंगे इसी जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो सकता है और होगा नहीं पता नहीं अगले जीवन में क्या होगा इसलिए हमें गुरु जी की शरण में आकर के जितने जल्दी जल्दी शरण में भजन अभी इसको ये ज्ञान हो गया तो उसने गुरु जी के पास आए भक्ति प्रज्ञान के सब बोले गुरु जी एक बात बताओ बोले कथा बोले जब आप कथा सुनाते हैं जीवन दुर्लभ है बार बार नहीं मिलता ये विषय भोगता हर जीवन में होगा लेकिन प्रभु का भजन तभी होगा आप जो बोलते हो मेरे मन में इच्छा होता है आपका चरण में आकर बोले मंदिर में आकर के संपूर्ण रूप में तन मन धन हर तरह से तुम्हारी सेवा करें और ये जीवन को भजने से बोले आ जाओ बुरा क्या आ जाओ बोले गुरुदेव एक दिक्कत बोले क्या है बोले आप लोग जो चला है ना वो पैसा वाला चला उस समय मैंने 500 रुपया उधार लिया उसी समय में 500 रुपया की बहुत कीमत था बोले अगर मैं जिंदगी भर भी कोशिश करूँ ये 500 रुपया गिरवी चुकाने के लिए लगता है आप गरीब आदमी जिंदगी में कभी मैं चुका ही नहीं सकता अभी मैं आ जाओ तो मेरे पकड़ेगा बोले पैसा ले लिया हाँ रीवी करके और आ करके भजन करने लग गए बोले पैसा दो अभी मैं क्या करूँ मैं सोच नहीं पा रहा हूँ भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज बोले कोई बात नहीं वो मेरा शिष्य है मैं बोलूँगा तो मेरे बात को सुन ले तू चले आप मैं इसको बोल दूंगा तेरे को पैसा से मुक्ति करा देगा आज तो रोने लग गए गुरु जी चरण के लिए रोने लगे जिंदगी में मैं कभी चुका नहीं सकता था मैं तो सोच रहा था आपका शरण में आके भजन नहीं कर पाऊंगा इतने दुखी हो गए रोने लगे तब शाम को आए पैसा वाला व्यक्ति तब तो महाराज ने पूछा तेरे से उसने व्यक्ति 500 रुपया लिया है हाँ बोले देखो उसकी इच्छा है मंदिर में आकर के संपूर्ण भगवत सेवा की जीवन को बिताना चाहते लेकिन वो कहता है सारा जीवन तुम्हारे पैसा को नहीं चुका सकता क्या तुम उसको छोड़ दोगे 500 रुपये अगर मेरे शरण में आ जाएगा तो वो इतने खुश हो गया बोले गुरु जी हम दोनों आपके चरण में कथा सुनते हैं अभी तक ये ध्यान मेरे को नहीं हुआ अभी तक ये विषय छोड़ने का मेरे चित्त वृत्ति नहीं हुआ लेकिन कम से कम उसका हृदय से ये भावना आया
कि विषय 20 है, इसको छोड़ करके आपका शरण का भजन करें, ये ज्ञान तो कम से कम उसके हृदय से जगह 5 रुपया की अगर 5000 रुपया लेता उसको छोड़ देता, क्योंकि अगर आपकी शरण में आकर भजन करेगा ठाकुर तो मेरे पर खुश हो। ना देखो एक व्यक्ति आगे भजन किया, इसको ऋणी था, इसने छोड़ दिया, इसलिए आपकी सेवा के लिए तुम्हें जीवन दे सकता हूँ, दे कोई चिंता नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया, वो आगे भजन करें हैं। इसलिए जब हम भगवान की चरण में संपूर्ण रूप में आ जाते हैं सारे ऋणी से, गुरुदेव उदय इसको उदाहरण देते हैं, क्योंकि सारा दुनिया किससे ऋणी लिया, ठाकुर जी से, सारा दुनिया ठाकुर जी से ऋणी लिया। जब ठाकुर जी से ऋण लिया, जब कोई व्यक्ति ठाकुर जी के शरण में आ जाएगा, बस ऋणी तो सब आपके आप मुक्त हो जाओ, इसलिए कोई ऋणी की चिंता नहीं। जो साधु संत बैठ के भजन कर रहे सब इनको पिता माता भाई बंधु ने सबका ऋणी है, ये तो कोई कोई एक ही बेटा है, जो तो अपन पर बैठे, ये तो पिता माता की एक ही बेटा, उनको दो बहन नहीं किया, उसको पिता माता इतने दुखी के उसने छोड़ कर गया, एक ही बेटा है। हर व्यक्ति चाहते ना मेरा बेटा बुढ़ापा अवस्था में लकुटी हाथ का क्या कर, क्योंकि उनका परिवार उनका परिवार में एक तक बेटा है ही है, दूसरे ने उसको भी बेटा रूप में लिया, दूसरे भी बेटे रूप में उसको लिया, लेकिन उनको छोड़ के कोरोना में तो उनकी तीन परिवार में नष्ट हो गया। उनको जो भाई थे, तीन जो चाचा थे, उनकी एक एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी थे, तो कोरोना में उनका तीन परिवार के तीन बेटे कोई 18 साल में, कोई 14 साल में, 26 साल में चले, इतने कम उम्र में। इन लोगों ने सब छोड़ कर, सबके सब छोड़ करके आए सिखा प्रभु, उन्होंने अपना पत्नी को और बच्चे को बेटी थी उसको भी छोड़ कर करने। इन लोगों ने तो घर छोड़ कर भजन के लिए आए, सबके सब छोड़ करके आए, तो इनको पीछे ऋणी है सबके सब, लेकिन सबके सब ठाकुर की शरण में आ गए। ठाकुर तब क्या, उन तो ऋणी चुकाए नहीं, इन लोगों ने सही ऋणी चुकाया, क्योंकि जब ठाकुर की शरण में आ गए तो सारे ऋणियों से सबके सब मुक्त हो गए, सारे ऋणियों से मुक्त हो गए हैं। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, मां सोचो कोई चिंता की बात नहीं। अगर भगवान इतने बड़े प्रतिज्ञा भक्तों के लिए, ठाकुर इतने बड़े प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवत सेवक अभिमान जागिए। जब किसी हृदय में भगवत सेवा के अभिमान जगता है क्या होता है, कहते जागिले की केव साक्षात भगवत सेवा छाड़िया माया सेवा करिवार पुनराय व्यस्त है। कोई क्या भगवत सेवा को छोड़ करके फिर माया की सेवा के लिए दोबारा कोई क्या जाएगा, कभी जाएगा? उनको पता चलेगा भाई संसार तो माया है, माया मतलब क्या है, जो 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 चीज नहीं है वो चीज को हाँ बोलना ही माया है। माया मतलब क्या है, जो जो चीज नहीं वो चीज को हाँ बोलना ही माया है। संसार में कोई नहीं किसका, बोले किसे संसार के ही छायाबाजी प्राय पियाते ममता का ही प्रचार में जाए। भक्तों ठाकुर कहते हैं किसे संसार के ही छायाबाजी प्राय, ये संसार क्या है, कहते छाया, छाया मतलब का परछाई होता है ना, शरीर परछाई जिसे झूठा होता है, कहते किसे संसार के ही छायाबाजी प्राय, ये झूठा है, बोले यहाते ममता का ही वृद्धा दिन जाए, इसको प्रति हम ममता करके हमारे जीवन वृद्धा जीवन बीत रहे, क्योंकि किसका है छोटा संसार है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कहते दिव्य ज्ञान जहाँ देर भैया से ताहरा कौन दिन रिटर्न टिकट करिया इष्ट देवर निकट आस्ते बा आस्ते पारे ना। कहते जिसकी हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हो गए, दिव्य ज्ञान मतलब वास्तव ज्ञान है, संसार किया है दुनिया किया है। इसलिए बद्रू ठाकुर कहते हैं क्या भी कोथाए छिला की करीते एथाए लाम की बात आज परे गेला जागो कोथाए शरीर कर। तो बद्रो ठाकुर कहते हैं ये दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं, बोले के आमी कोथाए छिला, जब किसके हृदय में ये ज्ञान हो मैं कौन हूँ,
कोथाय छिला पहले मैं था कहां मैं कहां पहले था और की करते एथा एला मतलब क्या करने के लिए तुम यहां आए हो क्या करने के लिए आए ये चीज को सोचो बात की बात आज करेगा तुमने क्या करने के लिए आए और क्या कर रहे हो आए थे किस लिए आए थे हरी भजन को और ऑर्डर पर लगे के पास आए थे तो भजन के लिए लेकिन भजन को तो साइड में रख लिया और जो करने के लिए नहीं आए उसमें लग गए हम लोग ने हैं इसलिए जाप को था शरीर भजन भक्ति में ठाकुर कहते भैया एक बार तो सोचो ये शरीर जब छुड़े कहाँ जाओगे ना तो कहाँ जाओ अगर इसका अंदर में ये भावना आ गया ना बस उसका जीवन कल्याण उसको उधार जाएगा क्यों उसका पता चलेगा केवल हम कौन है कृष्ण का ही दास है कृष्ण का ही सेवक है और उनको सेवा छोड़ करके जिनका बोध कर कर्तव्य नहीं और इनकी सेवा से ही जिनका कल्याण है और इनकी सेवा से जिनको परम गति की प्राप्त होगा इसलिए प्रभुपाद ने जिसको दिव्य ज्ञान जहाँ दे भैया जी मतलब जिसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान उदय हुआ है तहरा कौन दिन रिटर्न टिकट करिया इष्ट दिवर टिकट आसे ना वा आसते पर ना वो कभी भी रिटर्न टिकट करके नहीं आएगा हैं कभी नहीं आएगा हमारे श्री भक्ति कहते श्री भक्ति कहते श्री बन महाराज हैं भक्ति हृदय बन महाराज भक्ति हृदय वो पिताजी के लिए दवा भी गए पिताजी के लिए दवा भी गए थे पिताजी बीमार भी है और दवा भी गए थे प्रभुपाद का दस्तार देखा प्रभुपाद को देखने में दिव्य चेहरा है प्रभुपाद का लंबे चौड़े दिव्य महापुरुष है जब उनको कथा कर रहे थे तो उन्होंने देखा एक बाबा कथा कर रहे जब कथा कर रहे हो कथा खड़े होकर कथा सुनने लगे कथा सुनते 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 और व्याख्या कर रहे थे लगवा सुगुर लगवा मिला विशेष लोगों को अपने जीवन कितने कठिनी से मिला है और ये जीवन तो कठिनी से मिला लेकिन जीवन कैसे है कपल जल जल जीवन का जैसे कपल पत्ते के ऊपर पानी रखो वो किसी समय भी गिर सकता है ये जीवन का कोई गारंटी नहीं इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव जितने जल्दी हो भगवान की भजन में लग जाओ भगवान की भक्ति में तुम लग जाओ जितने जीवन प्राप्ति और इसलिए विषय खलु सर्वत्र स्यात् ये विषय संसार का भोग कहन जीवन में मिलेगा जब उन्होंने ये कथा को सुनाना उन्होंने वहीं पर दबा लेना पिताजी के लिए भूल गया प्रभुपाद का वाक्य कि भगवान खुद कह रहे ना भगवान खुद कह रही बात को भैया जितने जल्दी कल कर सो आज कर और आज कर सो आप बल में पढ़ाई होगी गौमरी कटाई कर बस वहीं से छोड़कर चल गए वहीं से चले गए इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया जो वास्तव रूप में ये दिव्य ज्ञान होता है कभी रिटर्न टिकट नहीं करते हैं वो कभी फिर वापस नहीं जा सकते कभी वापस नहीं जा सकते जा दे प्रभु अभिमान बात कर तो अभिमान आछे जहा दे लाल्य पाल्य आछे भगवान व्यतीत जहा दे अन्य देव आछे बा अन्य किछु आछे जहा दे गुरुदास अभिमान होवार परिवर्ते पति पिता पंडित मूर्ख धनी निर्धन प्रकृति माई के अभिमान आचे ताहराई सेवक के छाड़िया स्त्री पुत्र कन्या प्रभृति सेवक अभिमान प्रवत ही उद्वेग व दुई पाए हैं यहाँ पर कहते हैं तो जिनको अंतर में अपना कर्तव्य और कर्तृत्व अभिमान मतलब करने वाला मैं हूँ कोई देखना अरे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा मैं नहीं करता तो पीछे काम कौन करेगा तो कोई बोलते हैं ना तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं जब बैलगाड़ी चलती है उसको पीछे पीछे कुत्ता भी चलता है लेकिन वो कुत्ता क्या सोचता है कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रहा है ये बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रहा है बैलगाड़ी लेकिन गाड़ी को कौन खींच रहे हैं बैल लेकिन कुत्ता उसको नीचे नीचे चलता सोचता है गाड़ी मेरी वजह से चल रही है अगर मैं नहीं चल रहा नहीं उसी तरह हम भी क्या सोचते हैं कि जो संसार चल रहे हैं ना अगर मैं नहीं हूँगा फिर कौन देखेगा इनको पीछे कौन देखेगा है कभी कभी हम ये अभिमान कर लेते हैं भैया चलाने वाले ठाकुर जी और चलाने वाले ठाकुर जी करने वाले ठाकुर हम कुछ नहीं करते इसलिए कहते हैं कर्तृत्व अभिमान मतलब करने वाला नहीं हो मतलब तुम करने वाला नहीं हो करने वाला ठाकुर जी देखो हमारे जो हालात है ना हम जाते हैं प्रचार करने के लिए एक घर में
उनको उनको थे चार बेटियां और उनको दो बेटे थे और उनको जो पति एकदम बच्चे छोटे छोटे थे एकदम बच्चे पर छोटे छोटे थे उनको उसी अवस्था में उनको पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया माता जी ने बड़े कष्ट से अपने बच्चों को पाला बड़े कष्ट से पाले और बाद में जिन लोगों ने हमारे श्री गौर भक्त महाराज को उड़ीसा के लिए उनकी शरण में आ गए जब गए तब फिर हमारे गुरु जी की शरण में इन लोगों ने आ दी आ करके मैंने खुद बता दी जब ठाकुर की शरण में आए कहते उनका और भी इस ठाकुर की शरण में भजन भजने करते तो भक्ति तिलक कंठी माला लगाया करते थे इनका जो परिवार जो उनको हंसी दिलाई करते बोले यह देखकर कि बाबा को चक्कर में खड़ी करके क्या कंठी माला तिलक कह दिया अरे बच्चों को बढ़िया से पढ़ाओ लिखाई पढ़ाओ और क्या तुमने सब बच्चों को कंठी माला तिलक लगा दिया भजन में लगा दिया क्या सब है इसको क्या तुमने कर दिया हर पति तुम्हारी चले गया इनको तो लाल लाल लेकिन वो करती थी लेकिन भजन करती थी। अभी जब हम जाते हैं वो हम कहीं दिन बोल रही थी बोले बाबा ये लोग हमारे परिवार को हमको बड़े तंग किया क्यों हाँ भजन में भक्ति में तंग किया लेकिन अभी वो लोग बड़े दुखी है क्योंकि उनका कोई बच्चा शराब पी रहा है कोई जुआ खेल रहा है कोई सिगरेट फूंक रहा है हैं गलत रास्ता पांच सरकार गलत रास्ता में गए लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना उनका एक बेटा है जिसका नाम विजय वो क्या करता है वो सेमिनार देता है और बहुत बड़ा ऑफिस में काम करता है उसको 50,00,000 रुपया उसको गाड़ी मिलाती है गाड़ी में हमको बैठा के ले जाता है बिना कोई आपको स्टीयर की पकड़ने का जरूरत नहीं गाड़ी अपने आप चले वो गाड़ी उसका कितनी बढ़िया नौकरी उसका जो दूसरे बेटी जो शशिकला वो बढ़िया नौकरी बढ़िया पैसा कमाते हैं और उसको तो और भी दूसरे बेटी इतने पैसा कमाते हैं एकदम सबके सब बढ़िया बढ़िया काम में लगे और जो उनको हंसी दिलाई करते थे क्या सब बाबा के पास में चले गए कोई शराब पिया कोई मछली खाए कोई जुआ उनका परिवार सब बर्बाद हो गया लेकिन कहते मैं भक्ति में आने का नाते ठाकुर की शरण में आने का नाते मेरे बच्चे सबके सब गौर हार बढ़िया काम किया बढ़िया किया हम लोगों ने हम कोशिश कर रहे बहुत बड़ी जमीन लेकर के वहाँ पर भगवान की मंदिर बनाएंगे विदेश में और हम जितने संत जाते हैं ना जितने महाराज सब उनकी घर में रहते रहते हैं आप सोच नहीं सकते वो इतने वैष्णव सेवा करते हैं हम जितने सारा दुनिया में जाते हैं अगर कोई अगर सबसे ज़्यादा कोई वैष्णव गुरुदेव कितना सेवा की और हम लोग इतने सेवा करते हो सोच से बाहर है अभी तक हम इसको देखा नहीं कितने कोई सेवा करते मालूम उसको उनकी मैया जब अंदर में जाती है उसी बनाने में जब सत्तर सवेरे जाते शाम को निकलती और वो सेमिनार देते हैं उनका बच्चे बहुत लोगों को उन्होंने भक्ति में लगाए और उनको माँ बेटी उनको बहू सब के सब इतने सेवा करते हैं इतने आप सोच भी नहीं सकते सभी के लिए प्रसाद बनना प्रसाद ले जाना फिर अपना हाथों से भी पैसा खर्चा करना इनको कैसे भगवत करते हैं इनको हमने कैसे लाए वो कहती थी हम ठाकुर जी की गुरु जी की शरण में आने का नाते बस हम फलते बोलते गए ठाकुर का आशीर्वाद से हम फलते बोलते गए बहुत सेवा करते बहुत बहुत जो आप कोई कल्पना नहीं कर सकते इतने इसलिए यहाँ कहते हैं जिसको अंदर में कर्तृत्व अभिमान है कर जहाँ तेरे लाल्य पाल्य अच्छे भगवान बेटी जो व्यक्ति सोचता है भगवान को छोड़ कर और कोई हमारे आश्रय देने वाले हमें कोई लाल न करने वाले और कोई है हैं कहते गुरुदास को अभिमान को छोड़ करके अपना संसार पति पिता मूर्ख धनी माई के अभिमान जिसको अंदर में कर जिनको भगवत सेवा छोड़ करके ये माया की सेवा करने की जिसकी अभिमान कहते वही लोग ही हर समय संसार में उद्विग्न हर समय संसार के जीवन में दुख कष्ट को भोग करते हैं इसलिए एक जने शास्त्र आमादिगो के गुरु कृष्ण निकट गमन करार परिवर्ते अभी गमन करते बलिया छे इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं गुरु वैष्णव के पास में जाना नहीं मतलब अभी गमन मतलब जहाँ पर जाकर के दोबारा वापस नहीं आना उनके चरण में संपूर्ण रूप में अपना जीवन को दे देना कहते अभिमानी नो क्वेश्चन अब रिटर्न हाँ इसलिए कहते हैं फिरने का कोई बात नहीं श्रुति बोले तद विज्ञानार्थ सौ गुरुव्याभिगछे समीत प्राणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मतलब वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करे सौ गुरुव्याभिगछे
गुरु जी की शरण में अभी दक्षिण, अभी दक्षिण मतलब संपूर्ण रूप में शरण में चली जानी चाहिए, चली जानी चाहिए। इसलिए अभिगमन अर्थ है आश्रय, अभिगमन मतलब संपूर्ण रूप में ठाकुर जी गुरु चरण में संपूर्ण रूप में आश्रय लेकर के जब हम उनकी भक्ति करेंगे, क्या जितने परिमाण में ठाकुर जी चरण में शरणागत होंगे ना, ठाकुर हम उतना परिमाण से रखा गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास एक उदाहरण देते हैं, चीनी बाल लव राखे मेहतारी है, मेहतारी मतलब माँ, माँ को क्या बताया मेहतारी, मेहतारी मतलब क्या, मेहतारी किसको कहते हैं, जो रोड में जो नाली खाली साफ करता है, टाटी काटी साफ करते हैं, मेहतारी बताया, हाँ मेहतारी बताया ना उनको मेहतारी। इसलिए माँ को उन्होंने उदाहरण दिया, बोले क्यों, बोले बच्चा जब टाटी पे साफ कर देता है कौन साफ करते हैं, बाल पे साफ करते हैं माई, कहते चीनी बालक और राखे मेहतारी, जब माँ एक बालक को जैसे रक्षा करती हैं उसी तरह ठाकुर जी हमें वैसे ही रक्षा करते हैं। जैसे बच्चे हमको थोड़ी बहुत खाने पीने का चिंता है, बच्चा खाने पीने का चिंता करता है, हमारे बेटा को सोचता है कि क्या खाओ, वो मस्ती से खेलता कूदता कुछ करता, जानता है मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ चिंता करेगी बेटा रोटी खाया कि नहीं, कितना बजे खाया और कितना समय हो गया, अभी तक भूखा रहा हुआ, कौन चिंता करती है, माँ चिंता। उसी तरह जब कोई भगवान की शरण में चली जाए कौन चिंता करेगा, हमारी चिंता कौन करेगा, ठाकुर जी करेंगे। इसलिए हमें संपूर्ण रूप में भगवान की शरणागत होकर के भजन करनी चाहिए, रिटर्न टिकट हम नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। चिंता ही गौरव परमानंद